तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सन 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बारे में। एमसीयू की इस 14th फिल्म में साइंस और टेक्नोलॉजी से हटके जादू और चमत्कारों की कहानी दिखाई गई है, जहां डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक आम इंसान से एक महान जादूगर बनता है और वो अंधेरी दुनिया की बुरी ताकतों का सामना करता है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी रहस्यमयी कलाओं के गुरुओं की, जो कि अपनी जादुई शक्तियों से पृथ्वी को दूसरी दुनिया के रहस्यमयी खतरों से बचाते हैं। वैसे तो ये जादूगर दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन उनका मेन हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू शहर में है। उस जगह का नाम है कामरताज, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देकर जादूगर बनाया जाता है और उन्हें बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है। इन जादूगरों के लीडर को सॉर्सरर सुप्रीम कहा जाता है। सबसे पहले सॉर्सरर सुप्रीम का नाम था एगामोटो, जिसने हजारों साल पहले धरती पर रहस्यमयी कलाओं की खोज की थी और उसने यहाँ के लोगों को भी जादू का इस्तेमाल करना सिखाया था। जिसके बाद एगामोटो को इस सच का पता चला था कि इस सृष्टि में डार्क डायमेंशन नाम की एक ऐसी जगह भी है जो कि समय से परे है, और वहाँ पर डोरमामू नाम के एक शक्तिशाली जीव का राज है, जो कि हर गैलेक्सी और हर प्लेनेट पर कब्जा करना चाहता है और उन्हें अपनी दुनिया में खींचना चाहता है, और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे ज्यादा है। इसीलिए डोरमामू से अपनी दुनिया को बचाने के लिए एगामोटो ने 3 सैंक्टम यानी 3 पवित्र स्थल बनाए, जो कि दुनिया के 3 अलग अलग शहर न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में मौजूद है। वो तीनों सैंक्टम मिलकर धरती पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिससे डोरमामू जैसे राक्षस यहाँ नहीं आ सकते। बाद में एगामोटो ने नेपाल के काठमांडू शहर में कामरताज नाम की जगह बनाई और वहाँ उसने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। इसके साथ ही उसने कामरताज को उन तीनों सैंक्टम से जोड़ दिया, ताकि अगर वहाँ कोई मुसीबत आए तो कामरताज में तुरंत उसका पता चल जाए। फिर एगामोटो के मरने के बाद और भी कई लोग सॉर्सरर सुप्रीम बने और उन्होंने आम इंसानों को जादूगर बनाया, जो कि उन तीनों सैंक्टम की रक्षा कर रहे हैं। आगे जाकर कामरताज एक मैजिक स्कूल के साथ साथ ऐसी जगह भी बन गई जहाँ जादू और ज्ञान के जरिए लोगों की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का इलाज किया जाने लगा, और इलाज के बाद हर किसी को एक चुनाव करने बोला जाता कि या तो वो जादूगर बनकर इस दुनिया की रक्षा करे या फिर अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाए। इस तरह से कई साल से ये सिलसिला चल रहा है। वैसे तो सदियों से कई लोग सॉर्सरर सुप्रीम बने, लेकिन 14वीं सदी में एक ऐसी औरत सॉर्सरर सुप्रीम बनी जो कि बहुत ही होशियार और अलग थी। उस औरत का असली नाम तो किसी को नहीं मालूम, उसे बस एंशियंट वन के नाम से जाना जाता है। एंशियंट वन ने डार्क डायमेंशन से पृथ्वी को बचाने के लिए डार्क डायमेंशन की ताकत का ही इस्तेमाल किया। वो ऐसे जादुई मंत्र पढ़ती थी जिससे उसे डोरमामू की अंधेरी दुनिया की शक्ति मिलती थी। वो शक्ति इस दुनिया के जादू के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिससे रियलिटी को भी बैंड किया जा सकता है। एंशियंट वन ने उस शक्ति का इस्तेमाल करके कई बुरे लोगों को हराया था। इसके अलावा उसने उस शक्ति से अपनी उम्र को भी बढ़ने से रोक दिया था, जिससे वो एक तरह से अमर बन गई थी। पर एंशियंट वन ने दूसरे जादूगरों को ये नहीं बताया था कि वो डार्क डायमेंशन से शक्ति लेती है, और उसने सबको उस दुनिया से दूर रहने के लिए ही कहा था, क्योंकि वो ये जानती थी कि बाकी लोग उस शक्ति को पाकर बहक सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एंशियंट वन कई सौ साल से डार्क डायमेंशन से शक्ति लेकर जिंदा रही और उसने सॉर्सरर सुप्रीम बनकर धरती को बचाया। फिर 1996 में काइसिलियस नाम का एक आदमी कामरताज आया। काइसिलियस एक ऐसा आदमी था जिसकी बीवी और बच्चे अचानक बीमारी से मर गए थे। इससे वो गहरे सदमे में चला गया था, और अपने इस गम को भुलाने के लिए वो कामरताज पहुंचा, जहां एंशियंट वन ने उसे ज्ञान दिया और जादू का इस्तेमाल सिखाया। फिर काइसिलियस ने 20 साल तक काफी ट्रेनिंग की और वो एक बहुत अच्छा जादूगर बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने परिवार को नहीं भुला पाया था। उसे हमेशा ये लगता था कि दुनिया में सबसे बुरी चीज है मौत, जो कि लोगों को उनके अपनों से जुदा कर देती है। इसीलिए वो चाहता था कि या तो उसका परिवार किसी तरह वापस जिंदा हो जाए या फिर वो मौत पर जीत हासिल कर ले, ताकि दुनिया में किसी को भी वो दुख न सहना पड़े। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो कामरताज में रुका हुआ था। फिर वहाँ रहते रहते काइसिलियस का ध्यान एंशियंट वन की उम्र पे गया,
जो कि कई सालों से वैसी की वैसी थी, और उसे ये शक होने लगा कि एंशिएंट वन के पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो अमर बन गई है। इसीलिए उसने एंशिएंट वन से इस बारे में जानना चाहा, पर उन्होंने काइसिलियस को अपना राज नहीं बताया। और तब काइसिलियस ने उस सच का पता लगाने के लिए कामरताज की खास किताबें पढ़ना शुरू की। तभी उसे कैग्लियोस्ट्रो की किताब मिली, जिसमें डार्क डायमेंशन से शक्ति लेने की और डोरमामू से मिलने की रस्म लिखी हुई थी। पर काइसिलियस इतना शक्तिशाली जादूगर नहीं था कि वो उस रस्मों को खुद अकेला पूरा कर पाता। इस काम के लिए उसे और भी जादूगरों की जरूरत थी। इसलिए उसने कामरताज के दूसरे जादूगरों को एंशिएंट वन के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उन्हें अपने साथ मिला लिया। और फिर एक दिन काइसिलियस और उसके सभी साथी कामरताज की लाइब्रेरी में गए और उन्होंने वहाँ के लाइब्रेरियन को मार डाला। इसके बाद काइसिलियस ने वहाँ से कैग्लियोस्ट्रो की किताब उठाकर उसमें से वो पन्ने निकाल लिए जिसमें डार्क डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एंशिएंट वन आ जाती है और वो उन्हें चोरी करने से मना करती है। फिर काइसिलियस और उसके साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तब एंशिएंट वन उनसे लड़कर वो पन्ने छीनने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद काइसिलियस और उसके साथी उन पन्नों में लिखे हुए मंत्र और उस रस्मों को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी दौरान न्यूयॉर्क शहर में स्टीवन स्ट्रेंज नाम का एक डॉक्टर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूरोसर्जन था, अचानक उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और काफी इलाज के बाद भी उसके हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने करियर से बहुत प्यार था, इसीलिए वो किसी भी तरह अपने हाथों को ठीक करना चाहता था, पर अब उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। इसीलिए उसके दोस्त उसे इलाज की जिद छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो सबसे दूर हो जाता है। फिर एक दिन स्टीवन को पैंगबॉन नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि कुछ साल पहले पूरी तरह अपाहिज हो गया था, लेकिन बाद में वो किसी तरह बिल्कुल ठीक हो गया। इसीलिए स्टीवन जाकर पैंगबॉन से मिलता है और उससे उसके इलाज के बारे में पूछता है। फिर पैंगबॉन उसे बताता है कि वो कामरताज गया था और वहीं से वो पूरी तरह ठीक हुआ। ये सब सुनने के बाद स्टीवन काठमांडू पहुंच जाता है और वहां पर वो कामरताज का पता लगाना शुरू करता है। और तब उसे मोर्डो नाम का एक जादूगर मिलता है, जो कि स्टीवन को कामरताज लेकर जाता है और उसे एंशिएंट वन से मिलवाता है। वहां एंशिएंट वन उसे बताती है कि वो लोगों को उनकी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाती है, जिससे न सिर्फ शरीर को ठीक किया जा सकता है बल्कि उससे बड़े बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं। पर स्टीवन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे कामरताज आने का बहुत पछतावा होता है। इसीलिए एंशिएंट वन अपनी शक्ति से उसे आत्मा का एहसास कराती है और पूरे मल्टीवर्स की एक झलक दिखाती है, जिससे वो एंशिएंट वन के आगे झुक जाता है और उनसे सीखने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के घमंड की वजह से उसे वहां से निकाल देती है, पर जब वो काफी रिक्वेस्ट करता है तब उसे कामरताज में भर्ती कर लिया जाता है। वहां पर एंशिएंट वन उसे जादू का इस्तेमाल करना सिखाती है और मोर्डो उसे लड़ाई की ट्रेनिंग देता है। फिर वहां स्टीवन की मुलाकात वोंग नाम के एक जादूगर से होती है, जो कि अब कामरताज का नया लाइब्रेरियन बन गया था। वोंग उसे जादू की कई सारी किताबें देता है, जिन्हें पढ़कर स्टीवन बहुत जल्दी काफी कुछ सीख जाता है। अब वो बस इस इंतजार में था कि किसी तरह उसके हाथ ठीक हो जाए, ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सके। दूसरी तरफ काइसिलियस और उसके साथी कैग्लियोस्ट्रो की किताब के चुराए हुए उन पन्नों से उसकी एक रस्म को समझ लेते हैं, जिसे पूरा करके वो अंधेरी दुनिया से शक्ति हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो उन पन्नों में लिखी एक और रस्म को पूरा करते हैं, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है और अब काइसिलियस के पास रियलिटी को बैंड करने की पावर आ जाती है। इसके अलावा काइसिलियस की मुलाकात डोरमामू से भी होती है, जो कि उसे ये बहकाता है कि अगर उसे धरती पर आने दिया जाए तो वो सभी इंसानों को अमर बना देगा, और यही काइसिलियस चाहता था। इसीलिए वो डोरमामू को धरती पर लाने के लिए अपने साथियों के साथ उन तीनों सैंक्टम को बर्बाद करने की तैयारी करता है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज एक दिन कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है और वहां वो कैग्लियोस्ट्रो की किताब पढ़ना शुरू करता है। उस किताब में आई ऑफ एगामोटो की जानकारी थी। आई ऑफ एगामोटो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर टाइम स्टोन नाम का एक इन्फिनिटी स्टोन था, जिससे समय को काबू किया जा सकता है।
सदियों पहले जादूगर एगामोटो ने टाइम स्टोन को ढूंढा था और उसने उस स्टोन को सुरक्षित रखने और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाया जिसे आई ऑफ एगामोटो कहते हैं। और कैग्लियोस्त्रो की किताब में आई ऑफ एगामोटो को इस्तेमाल करने की रस्म लिखी हुई थी जिसे पढ़कर स्टीवन उसे समझ जाता है और वो समय को काबू करना सीख जाता है। फिर वो टाइम स्टोन के जरिए कैग्लियोस्त्रो की किताब के उन पन्नों को वापस ला लेता है जो कि काइसिलियस ने चुरा लिए थे। उससे स्टीवन को अंधेरी दुनिया, डोरमामू और अनंत जीवन के बारे में पता चलता है। लेकिन तभी वोंग और मोल्डो वहां आकर उसे रोक देते हैं और वो उसे कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने से मना करते हैं। फिर स्टीवन उन दोनों से जादूगरों के जीवन का मकसद पूछता है और तब वोंग और मोल्डो उसे रहस्यमयी कलाओं की शुरुआत और एगामोटो के बनाए हुए सैंक्टम के बारे में बताते हैं जिनकी रक्षा करना ही जादूगरों का काम है। तभी अचानक काइसिलियस और उसके साथी लंदन के सैंक्टम पे हमला करके उसे तबाह कर देते हैं, जिसका असर कामरताज पे भी पड़ता है और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से न्यूयॉर्क के सैंक्टम में पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर में काइसिलियस और उसके साथी न्यूयॉर्क के सैंक्टम में भी आ जाते हैं और वो वहाँ के गार्डियन को मार डालते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ना शुरू करते हैं। तभी लड़ाई के दौरान स्ट्रेंज को उस सैंक्टम में रखा हुआ एक जादुई लबादा यानी क्लोक ऑफ लेविटेशन मिल जाता है जो कि काइसिलियस से लड़ने में उसकी मदद करता है। फिर स्टीवन उसे एक जादुई जंजीर के जरिए पकड़ लेता है और तब काइसिलियस बातों बातों में स्टीवन को बताता है कि एंशिएंट वन खुद जिंदा रहने के लिए डोरमामू से शक्ति लेती है पर वो दूसरों को ऐसा करने से मना करती है। ये बात सुनकर स्टीवन का एंशिएंट वन पे से भरोसा उठने लगता है और तभी काइसिलियस का एक साथी वहां आकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है और वो काइसिलियस को कैद से आजाद कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह अपने पुराने हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी साथी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक करती है। इसके बाद वो वापस न्यूयॉर्क के सैंक्टम में जाता है तो वहां उसे एंशिएंट वन और मोल्डो मिलते हैं और तब स्टीवन मोल्डो को ये बात बता देता है कि एंशिएंट वन जिंदा रहने के लिए अंधेरी दुनिया से शक्ति लेती है पर मोल्डो को इस पर यकीन नहीं होता और ये सब देखकर एंशिएंट वन वहां से चली जाती है। तभी काइसिलियस और उसके साथी फिर से उस सैंक्टम पे हमला करते हैं और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस सैंक्टम को बचाने के लिए खुद के साथ उन सभी लोगों को मिरर डायमेंशन में लेकर चला जाता है ताकि इससे असली दुनिया सुरक्षित रहे। फिर वहां पर काइसिलियस और उसके साथी मोर्डो और स्ट्रेंज को मारने के पीछे पड़ जाते हैं और तब एंशिएंट वन उन्हें बचाने के लिए मिरर डायमेंशन में आती है और वो काइसिलियस से लड़ने के लिए अंधेरी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करती है जिससे मोर्डो को भी उस बात पर यकीन हो जाता है और वो भी एंशिएंट वन से नाराज हो जाता है। फिर काइसिलियस एंशिएंट वन पे धोखे से हमला करता है और वो उन्हें असली दुनिया में फेंक देता है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसीलिए स्टीवन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन वहां पर एंशिएंट वन की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो अपनी आत्मा के जरिए स्टीवन को बोलती है कि वो एक बहुत अच्छा जादूगर है और वो ही इस दुनिया को डोरमामू से बचा सकता है पर इस काम के लिए उसे भी कुदरत के नियमों को तोड़ना होगा। फिर बाद में स्टीवन मोल्डो को भी ये समझाने की कोशिश करता है पर उसे एंशिएंट वन की वो बात गलत लग रही थी। फिर स्टीवन किसी तरह मोल्डो को राजी करके उसे हांगकांग लेकर जाता है ताकि वो वहां के सैंक्टम को बचा सके। उधर वोंग भी हांगकांग के सैंक्टम में पहुंच गया था और वो वहां के जादूगरों के साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहा था। फिर काइसिलियस वहां आ जाता है और वो जंग शुरू कर देता है। फिर जब स्टीवन और मोर्डो वहां पहुंचते हैं तब तक काइसिलियस और उसके साथियों ने वोंग और सभी जादूगरों को मार दिया था और उन्होंने उस सैंक्टम को भी तबाह कर दिया था। और क्योंकि अब लंदन और हांगकांग के सैंक्टम तबाह हो गए थे और न्यूयॉर्क का सैंक्टम भी कमजोर हो चुका था इसलिए धरती पर से वो सुरक्षा कवच हट जाता है और डोरमामू अपनी अंधेरी दुनिया के साथ यहाँ आ जाता है और वो पृथ्वी को निगलना शुरू करता है। इस सब को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर देता है जिससे सभी मरे हुए लोग वापस जिंदा होने लगते हैं और वो सैंक्टम भी ठीक होने लगता है। लेकिन तभी काइसिलियस उस मंत्र को बीच में ही तोड़ देता है जिससे धरती का समय रुक जाता है। फिर वो स्टीवन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है और वो डार्क डायमेंशन के अंदर चला जाता है। उस जगह पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन स्टीवन के पास टाइम स्टोन होने की वजह से अब वहां पर भी समय आ जाता है। फिर स्टीवन वहां पर एक टाइम लूप बनाता है जिसे वो अपनी मौत से जोड़ देता है
और फिर वो डोरमामू के पास जाता है और उसे धरती छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन डोरमामू उसे मार डालता है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम लूप की वजह से दोबारा जिंदा हो जाता है और वो फिर से डोरमामू के पास जाता है जो कि उसे फिर से मार डालता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है। इस तरह से डोरमामू उसे बार बार मारता जाता है और स्ट्रेंज उस टाइम लूप की वजह से बार बार जिंदा होकर उससे सौदा करने जाता है। आखिर में थक कर डोरमामू को उसकी बात मानना ही पड़ता है, इसीलिए वो कैसिलियस और उसके साथियों को अपनी अंधेरी दुनिया में समा लेता है और वो पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। और तब स्टीवन फिर से टाइम को रिवर्स करता है जिससे वो शहर बच जाता है और वहाँ का सैंक्टम ठीक हो जाता है। लेकिन इस सबसे मोर्डो खुश नहीं था। उसका ये मानना था कि कुदरत के नियमों को तोड़ना गलत है, जो कि स्ट्रेंज ने भी तोड़े थे। इसीलिए अब मोर्डो कामरताज को छोड़कर सबसे दूर चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर हमेशा के लिए जादूगर बनने का फैसला करता है और वो न्यूयॉर्क के सैंक्टम में रुककर वहां का नया गार्डियन बन जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां थॉर न्यूयॉर्क के सैंक्टम में आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। थॉर असल में ओडिन को ढूंढने के लिए लोकी के साथ धरती पर आया था और इस काम में डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोर्डो नजर आता है जो कि पैंग बॉन के पास जाकर उसके शरीर से उसकी जादुई शक्ति निकाल लेता है जिससे पैंग बॉन फिर से अपाहिज हो जाता है। मोर्डो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि जादूगर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसने दुनिया के सभी जादूगरों की शक्ति छीनने का सोच लिया था। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।